हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग तो जैसा कि आप लोगों को पता है हमारी हायर एजुकेशन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसकी सीरीज़ चल रही है तो अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम एसोशिएट लर्निंग के नाम से है तो चलिए देखते हैं हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इज़ लोकेटेड एट ऑप्शन ए धर्मशाला ऑप्शन बी शिमला ऑप्शन सी सोलन या ऑप्शन डी चंडीगढ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कहाँ पर लोकेटेड है बताइए जल्दी जल्दी इसका आंसर तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शिमला जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है वो हमारा शिमला में लोकेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द नंबर ऑफ रीजनल ऑफिसर्स ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन ऑप्शन ए फोर ऑप्शन बी फाइव ऑप्शन सी सिक्स या ऑप्शन डी एट कितने रीजनल ऑफिस हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के लिए बताइए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दिया करिए जो भी आंसर है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फोर हमारे कितने रीजनल ऑफिसर्स हैं फोर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वॉज कंसिडर्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑप्शन ए फ्रीडम टू स्पीच ऑप्शन बी राइट टू इक्वेलिटी ऑप्शन सी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन या ऑप्शन डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय बी आर अम्बेडकर बताइए जल्दी जल्दी आंसर करा करिए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन इंक्लूड्स ऑप्शन ए रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम ऑप्शन बी टू डेवलप द साइंटिफिक टेंपर, ऑप्शन सी रिस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट या ऑप्शन डी टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ चूज़ करना है कि हमारा कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आते हैं फर्स्ट है ए बी एंड सी सेकेंड है ए बी एंड डी थर्ड है बी सी एंड डी और फोर्थ है ए सी डी एंड बी तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड ए बी एंड डी ए यानी रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नेशनल फ्लैग और द नेशनल एंथम हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने नेशनल फ्लैग की अपने नेशनल एंथम की और बी क्या है टू डेवलप द साइंटिफिक टेंपर और डी टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ तो ये क्या है ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो एक सिटीज़न को फॉलो करने चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऑप्शन ए देखिए सबसे पहले तो आपको क्या देखना है नॉट नॉट करेक्ट बताना है यानी हमें इनकरेक्ट वाले ढूंढने हैं तो ऑप्शन ए है द रेसिडेंट अपॉइंट्स अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट टू बी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऑप्शन बी है ही हैज़ द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री ऑप्शन सी है ही हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा ऑप्शन डी है ही हैज़ अ फिक्स्ड टेन्योर तो हमें सेलेक्ट करना है इसमें कौन सा अटॉर्नी जनरल के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट है फर्स्ट है ए एंड डी सेकेंड है बी सी एंड डी थर्ड है सी एंड डी और फोर्थ है सी ओनली बताइए इसका आंसर तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट ए एंड डी ए क्या है द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट टू बी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये क्या है रॉन्ग है और डी ही हैज अ फिक्स्ड टेन्योर कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है अटॉर्नी जनरल का तो ये भी क्या है रॉन्ग है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए एंड डी नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द वॉरेंट ऑफ प्रोसीडेंस द स्पीकर ऑफ लोकसभा कम्स नेक्स्ट ओनली टू ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट ऑप्शन बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑप्शन सी द प्राइम मिनिस्टर या ऑप्शन डी द कैबिनेट मिनिस्टर बताइए आंसर तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन सी द प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स फॉल अंडर ए एडवाइजरी जुरिस्टिक्शन ऑप्शन बी अपीलेट जुरिस्टिक्शन ऑप्शन सी ओरिजिनल या ऑप्शन डी रिट जुरिस्डिक्शन बताइए इसका आंसर

एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ प्लानिंग कमीशन तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डिप्टी चेयरमैन नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन एज द सब्जेक्ट लेजिस्लेशन फिगर इन द ऑप्शन ए यूनियन लिस्ट ऑप्शन बी स्टेट लिस्ट ऑप्शन सी कंकरेंट लिस्ट या ऑप्शन डी रेसिडुअरी पावर तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कंकरेंट लिस्ट जो हमारा एजुकेशन है वो हमारे में कंकरेंट लिस्ट में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़ हैज अडॉप्टेड द मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसने मेटा यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया ऑप्शन ए असम यूनिवर्सिटी ऑप्शन बी दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑप्शन सी हैदराबाद यूनिवर्सिटी या ऑप्शन डी पाण्डिचेरी यूनिवर्सिटी बताइए कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसने मेटा यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया था मेटा यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या किया था अडॉप्ट किया था नेक्स्ट क्वेश्चन है द ई कंटेंट जनरेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैज़ बीन असाइंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट टू ऑप्शन ए इन्फ्लिपनेट ऑप्शन बी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन ऑप्शन सी नेशनल नॉलेज कमीशन ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू बताइए इसका आंसर इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कमीशन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ गुड गवर्नेंस ऑप्शन ए सोशल ऑडिट ऑप्शन बी सेपरेशन ऑफ पावर ऑप्शन सी सिटीजेंस चार्टर ऑप्शन डी राइट टू इंफॉर्मेशन सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फर्स्ट ए सी एंड डी सेकेंड है बी सी एंड डी थर्ड है ए डी और फोर्थ है ए बी सी एंड डी टूल्स ऑफ द गुड गवर्नेंस कौन कौन से इसमें इन चारों में कौन कौन से ऐसे टूल हैं जो गुड गवर्नेंस तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट ए सी एंड डी ए सोशल ऑडिट सी सिटीजन चार्टर और डी राइट टू इन्फॉर्मेशन सेपरेशन ऑफ पावर ये कुछ नहीं है तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ए सी एंड डी नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट इज इम्प्लाइड इन ऑप्शन है राइट टू फ्रीडम ऑप्शन बी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑप्शन सी राइट टू इक्वेलिटी या ऑप्शन डी राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पर्सनल लिबर्टी में हमारी क्या आ जाती है प्राइवेसी राइट टू प्राइवेसी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डील विथ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन एजुकेशनल प्लानिंग ऑप्शन ए एन सी ई आर टी ऑप्शन बी यू जी सी ऑप्शन सी नैक एन डबल ए सी ऑप्शन डी एन यू ई पी ए न्यूपा बताइए इसका आंसर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कौन डील करता है इसका सही आंसर है न्यूपा एन यू ई पी ए बहुत जल्द मैं आपके लिए सारे फुल फॉर्म एक साथ लेकर आऊँगी हायर एजुकेशन के आईसीटी के तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन है द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ साउथ एशिया जो यूनिवर्सिटी है वो किस सिटी में सिचुएटेड है ऑप्शन ए कोलंबो ऑप्शन बी ढाका ऑप्शन सी न्यू डेली या ऑप्शन डी काठमांडू तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं तो देखते हैं किसका किसका आंसर सही होता है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें आइकन को प्रेस करें और हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें